जदयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने कहा कि हमारे नेता काम के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अपने सारे सांसद सारे विधायक मंत्री को टास्क दिया है कि अपने क्षेत्र में जो भी काम छूटे हुए हैं हमें बताया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के कार्यों की वजह से 2025 का चुनाव एक तरफा होगा। वही जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में नहीं पहुंचने पर उन्होंने कहा कि किसी मीटिंग में व्यस्त होंगे। इसके अलावा नीतीश कुमार को भारत रत्न देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये लोगों का प्यार है, कि लोग चाहते हैं कि वो दिल्ली तक पहुंचे। माननीय सांसद, तमाम सम्मानित साथी को टास्क दिया गया है कि बिहार के कोने में कोई भी छोटा भी काम रह गया हो आप बताएं, वो काम को पूरा कराएं। ये नेता नीतीश कुमार जी काम के नाम से दुनिया में जाने जाते हैं, देश में ही नहीं। और नेता नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है 2005 के बाद, काम करने जो तौर तरीका इनका रहा है, इस पे हम सबको सीखना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ 2025 के चुनाव तरफा चुनाव होगा नेता नीतीश कुमार कारणों की वजह से। अच्छा, एक चीज और है कि संगठन को मजबूत करने की, फिर आपसी मतभेद दूर करने, कहीं मतभेद नहीं है। लंबा परिवार, बड़ा परिवार है हम लोगों का, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेता सब लोग नेता नीतीश कुमार से प्यार करता है, अपने नेता नीतीश कुमार जी के लिए मरने जीने को हम सब लोग तैयार हैं। ललन सिंह जी नहीं आए आज, कहीं रहे होंगे मीटिंग, कहीं रहे होंगे। देने की मांग उठ रही है, ये लोगों की चाहत है, लोग तो बहुत कुछ चाहते हैं। ये बहुत दिल्ली पहुंचे, लोगों का प्यार है, इनका काम का तौर तरीका है। ये एक सिंगल नेता देश में है, कभी परिवार की बात नहीं की, कभी जाति धर्म की बात नहीं की। पूरे आवाम जिस प्रदेश में रहते हैं, पूरे आवाम की सुरक्षा, उनकी व्यवस्था, उनका सम्मान, उनका विकास ये चाहते हैं। जमा खान जी,